नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा का उपयोग ठीक है आज हम लोग देखेंगे क्या यूटिलाइजेशन ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इनर्जी तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे अगर आप चाहते हैं कि जो है इसका पार्ट टू भी हम ले करके आएँ तो नीचे जो है कमेंट करिएगा आप लोग ठीक है और सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी एम है ये किसी न किसी जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो इनको ध्यान से देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाई इम्पोर्टेंस केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग तो इंडक्शन हीटिंग में क्या वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है तो देखिएगा सबसे पहली बात इंडक्शन हीटिंग जो होता है उसको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है ठीक है एक होता है आपका कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग और एक होता है आपका कोर लेस टाइप इंडक्शन हीटिंग ठीक है तो जो कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग होता है उसमें जो है लो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं ठीक है क्या करते हैं लो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं और जो कोरलेस जो है टाइप है उसमें जो है हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं और ये हाई फ्रीक्वेंसी कितना होती है टेन से लेके फोर हंड्रेड किलो हर्ट्स के बीच में होती है और लो फ्रिक्वेंसी जो हमारी जो है पावर फ्रिक्वेंसी है मतलब 50 हर्ट्ज वही लो फ्रिक्वेंसी है ठीक है और ध्यान रखिएगा एक और बात इंडक्शन हीटिंग जो है वो किसको हीट करने के लिए किया जाता है तो ध्यान रखिएगा इंडक्शन हीटिंग इज यूज फॉर हीटिंग कंडक्टिंग मटीरियल ठीक है कंडक्टिंग मटीरियल को हीट करने के लिए जो है इंडक्शन हीटिंग का प्रयोग किया जाता है ठीक है ये बात आप ध्यान में रखिएगा तो देख रहे हैं इंडक्शन हीटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका है फ्रीक्वेंसी का तो इसलिए इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा बी फ्रीक्वेंसी, ठीक है तो आप ध्यान रखिएगा इंडक्शन हीटिंग दो प्रकार के होते हैं कोर टाइप और एक होता है कोरलेस कोर टाइप है लो फ्रीक्वेंसी के लिए और कोरलेस हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक है और इंडक्शन हीटिंग जो है जो है ये इंडक्शन होगा इंडक्शन हीटिंग इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग मटेरियल ठीक है कंडक्टिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है ठीक है अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्स यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या रिक्वायरमेंट होता है तो देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है इसको जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है ठीक है रेजिस्टेंस वेल्डिंग रिक्वायर्स हाई करंट हाई करंट अब ये हाई करंट कितना होगा ये लगभग जो है हंड्रेड एम्पियर के आसपास ही होगा ठीक है तो अब इतना हाई करेंट कैसे होगा कौन सा जो है ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे तो इतना हाई करंट हमको मिलेगा तो आपको पता होगा हमने बताया था जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को डाउन करेगा यानी वोल्टेज कम होगा और करंट क्या होगा ज़्यादा होगा तो हमको चाहिए करंट ज़्यादा तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अब यही पूछा है रिक्वायर्स तो क्या कर, जो है जरूरत होती है तो ध्यान रखिएगा हाई करंट और आपको पता है ट्रांसफार्मर में जिधर हाई करंट होगा उधर वोल्टेज क्या होगा लो होगा तो इसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिए हाई वैल्यू ऑफ ए सी करंट की वैल्यू हाई है और वोल्टेज क्या है लो है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए वाला सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड यानी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग को क्या और कहा जाता है तो मैं कुछ बता देता हूं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए तो देखिएगा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग यूज टू हीट तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग किसके लिए यूज किया जाता है हीट करने के लिए जो है ये नॉन कंडक्टिंग मटीरियल नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स आपको बताया था हमने जो इंडक्शन हीटिंग है वो क्या है कंडक्टिंग मटीरियल के लिए नॉन कंडक्टिंग मटीरियल मीन्स क्या होगा इंसुलेटिंग मटीरियल नॉन कंडक्टिंग मटीरियल मतलब इंसुलेटिंग मटीरियल और इंसुलेटिंग मटीरियल का एग्जाम्पल क्या क्या है तो जैसे आपका वुड हुआ लकड़ी हुआ प्लास्टिक ठीक है लकड़ी प्लास्टिक प्लास्टिक हुआ ग्लास हुआ तो इन सारी चीज को हीट करने के लिए डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज करेंगे और ध्यान रखिएगा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम हीटिंग इसको वॉल्यूम हीटिंग कहा जाता है ठीक है एक बात ध्यान रखिएगा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एस वॉल्यूम हीटिंग ठीक है और एडिक करेंट हीटिंग किसको कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा इंडक्शन हीटिंग इंडक्शन हीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिकेंट हीटिंग तो इसने डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग पूछा है तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम हीटिंग ठीक है और एक और बात ध्यान रखिएगा जो डाईलैक्ट्रिक है हीटिंग है इसमें भी फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा महत्व तो होता है और फ्रीक्वेंसी जो है एक से लेकर के जो है फोर्टी मेगा हर्ट्स के बीच में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखा जाता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ ठीक है तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग कैसे जो है ज़्यादा जो है पॉपुलर होता जा रहा है पहला ऑप्शन दिया है नॉइसलेस ऑपरेशन दूसरा दिया है लॉन्ग लाइफ और तीसरा दिया है स्मॉलर साइज एंड वेट तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा ऑल ऑफ दी एब तो ध्यान दीजिएगा आपने कभी जो है फ़ोन पे जो है इस्तेमाल किया होगा ये जो है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग जो है टेली वगैरह में यूज़ किया जाता है आपने देखा होगा कई बार जो है कस्टमर केयर से कॉल आता है तो आपने सुना होगा एक दबाइए तो एक दबाने के बाद जो है दो दबाइए फिर तीन दबाइए ऐसा करने के बाद जो है ये जो है प्रोग्रामिंग की गई होती है ऐसा जो है करने से क्या होगा वो आगे क्या करना है ये जो है कौन डिसाइड करेगा वही स्विचिंग डिसाइड करेगा आपने एक दबाया तो उसने कंफर्म कर लेगा आगे क्या आपको सुनाना है तो इस तरह का जो है यही होता है टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है और इस नॉइजलेस ऑपरेशन है लॉन्ग लाइफ है है नेक्स्ट है. क्वेश्चन है? देखते हैं द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज ठीक है तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का क्या लाभ है इट इज इंस्टेंटेनियस ठीक है मोर हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग इट अवाइड्स वीयर ऑफ ट्रैक मोटर कंटिन्यू टू रिमेन लोडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग देखिए इसका सही आंसर है ए वाला इट इज इंस्टेंटेनियस ठीक है एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का ये जो है इंस्टेंटेनियस है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स ठीक है ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या है तो ध्यान दीजिएगा इल्यूमिनेशन से ज़्यादातर एग्ज़ाम में यूनिट पूछी जाती हैं तो यूनिट इसका आप लोग को याद जरूर होना चाहिए तो देखिएगा ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो होता है ल्यूमन ठीक है अब वेबर तो आपको पता होगा वेबर जो है फ्लक्स की यूनिट है और ये लक्स जो है ये आपका किसका यूनिट है इल्यूमिनेशन का और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला एक बात मैं बताता हूँ फिगर के माध्यम से आपको सभी जो है चीजें समझ आ जाएंगी क्या क्या यूनिट है क्या क्या चीज है तो देखिएगा ये मान लीजिए हमारे पास ये कोई लैम्प है ठीक है ये कोई क्या है लैम्प है ये लैम्प है इस लैम्प के चारों ओर क्या है लाइट एनर्जी होगी ठीक है ये लाइट एनर्जी होगी तो इस लाइट इनर्जी जो है ये लाइट इनर्जी पर सेकेंड क्या रेडिएट करेगा लाइट इनर्जी तो जो पर सेकेंड लाइट इनर्जी जो रेडिएट करेगा वही क्या होता है ल्यूमिनस फ्लक्स होता है वही क्या होता है ल्यूमिनस फ्लक्स होता है और उसकी यूनिट क्या है ल्यूमन अब देखिएगा ये जो है ये लाइट जो है एनर्जी जो है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ठीक है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट सॉलिड एंगल ठीक है पर यूनिट सॉलिड एंगल से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी ठीक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता ठीक है इसका यूनिट क्या होता है आपको पता होगा कैंडेला ठीक है आप इस ऐसे भी कर सकते हैं और जो है सॉलिड एंगल का यूनिट स्टे रेडियन होता है ठीक है तो पर यूनिट सॉलिड एंगल मतलब ल्यूमेन पर स्टे रेडियन इज आल्सो कॉल्ड एज कैंडेला अब देखिए ये जो सॉलिड एंगल है अब ये जो है सॉलिड एंगल जो और ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये किसी खास डायरेक्शन में ही डिफाइन की जाती है ठीक है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिफाइन की जाती है और जो ये जो है ल्यूमिनस फ्लक्स है ये ऑल डायरेक्शन में डिफाइन किया जाता है अब ये जो ल्यूमिनस पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्लक्स है ये किसी सरफेस पे पड़ेगा ठीक है किसी सरफेस पे पड़ेगा तो इस सरफेस पे ठीक है इस सरफेस पे पर यूनिट एरिया ठीक है ध्यान रखिएगा पर यूनिट एरिया जो फ्लक्स पड़ेगा वही क्या कहलाता है इल्यूमिनेशन कहलाता है क्या कहलाता है इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन कहलाता है ठीक है तो इल्यूमिनेशन का यूनिट क्या हो गया फ्लक्स अपान एरिया यानी ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या इसी को क्या कहते हैं लक्स कहते हैं ठीक है ये ध्यान रहेगा इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है ठीक है तो इसी से सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा क्या जो है ल्यूमिनस फ्लक्स है क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और क्या इल्यूमिनेशन है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द इल्यूमिनेशन एट ए सरफेस ड्यू टू ए सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सरफेस वेरीज एस तो ये सारा फॉर्मूला आपको पता होगा ठीक है ये मान लीजिए कोई सोर्स है हमने मान लिया ये कोई सोर्स है तो इस सोर्स से ये मान लीजिए कोई सरफेस है इस सोर्स से यहाँ पे मान लीजिए हमको निकालना है इल्यूमिनेशन तो इस सोर्स से कितना डिस्टेंस है ये ये डी है मान लीजिए तो यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन होगा ना इल्यूमिनेशन ये जो होगा ये जो है डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है ये ध्यान रखिएगा और ये जो है यहाँ से जो है इसके सोर्स के नॉर्मल से ठीक है ये जो एंगल बनता है ठीक है यही आपने कोई नहीं पढ़ा होगा लैम्बर्ट्स को साइन लॉ ठीक है तो ये जो होता है ये इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, आपने ये भी पढ़ा होगा ठीक है तो यहाँ से जब पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है यहां से जो है आपको मिलेगा E इज इक्वेल टू आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर ठीक है तो देखिएगा ये जो है क्या होगा हमारा आंसर इसका ए वाला हो जाएगा इल्यूमिनेशन क्या होगा जो है सोर्स से जो डिस्टेंस डी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है ये चीजें आप याद रखिएगा यहां आई क्या है आई जो है यहां पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जिसकी यूनिट हमने बताया था कैंडेला है ई यहां क्या है इल्यूमिनेशन है और डी जो है जो है डिस्टेंस है डी क्या है डिस्टेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिडक्शन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ तो रिडक्शन फैक्टर किसका जो है रेशियो होता है तो देखिए ये चीज़ें जो है एकदम आपको रट लेनी है ठीक है ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाना है तो रिडक्शन फैक्टर ध्यान रखिएगा रिडक्शन फैक्टर जो होता है एम एस सी पी डिवाइडेड बाई एम एच सी पी ये जो है आपका रिडक्शन फैक्टर होता है तो एम एस सी पी क्या है और एम एच सी पी क्या है ये मैं बता रहा हूँ तो देखिये एम एस सी पी जो है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और जो एम एच सी पी है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर है ठीक है और एक जगह और ये आया है ये जो है इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है ये है मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर ठीक है मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर ठीक है तो ये रिडक्शन फैक्टर का आपका आंसर क्या होगा ए वाला होगा एम एस सी पी डिवाइडेड बाई एम एच सी पी तो ध्यान दीजिएगा कभी कभी क्या होता है एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है तो ध्यान रखिएगा जो एस है वो ऊपर में आता है ठीक है ध्यान रखिएगा यही चीज भूल जाएगा एग्जाम में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पावर फैक्टर इज द हाइएस्ट इन केस ऑफ यानी किसकी जो है कंडीशन में पावर फैक्टर सबसे ज्यादा होता है तो आपको पता होगा इन कैंडिसेंट लैम्प इन कैंडिसेंट लैम्प के केस में जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है ठीक है इन कैंडिसेंट लैम्प क्या होता है यूनिटी पावर फैक्टर होता है उसके किस में ठीक है तो इंडक्शन जो है इनकैंडसेंट लैम्प क्या होता है आपने देखा होगा जो दस रुपये की बल्ब आती थी सौ वाट वाली वही जो है क्या है इनकेडिसेंट लैम्प है ठीक है जो पहले यूज होता था जो पीले कलर का लाइट देता था दस रुपये में मिलता था वही ठीक है वही क्या है और वो हमने बताया था एक तरह का क्या है वो एक रेसिस्टिव सर्किट की भांति कार्य करता है कैसा है रेसिस्टिव सर्किट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन कार्बन आर्क वेल्डिंग कार्बन आर्क वेल्डिंग में तो देखिएगा क्या होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो है ध्यान रखिएगा कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड जो होता है वो जो है आपका नेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू दी वर्क पीस वर्क पीस के कंपेयर में जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव होता है और जो हमारा वर्क पीस है यानी जिसको हमको वेल्डिंग करना है ठीक है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है अब ये जो इलेक्ट्रोड हमने बताया ये इलेक्ट्रोड कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं तो ध्यान रखिएगा जो कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है कार्बन आर्क वेल्डिंग है इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है यूज़ वो कार्बन होता है ठीक है या जो है कार्बन की जगह ग्रेफाइट भी यूज़ होता है ठीक है ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू वर्क इन ऑफ डीसी सप्लाई ठीक है तो ये आपका आंसर जो है बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रोलिंग इलेक्ट्रोड आर स्पेशियली यूज फॉर यानी रोलिंग इलेक्ट्रोड किसके लिए यूज किया जाता है तो ध्यान रखिएगा जो रोलिंग इलेक्ट्रोड है वो सीम बेल्डिंग में यूज किया जाता है ठीक है तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है ये मान लीजिए जो है मेटल है एक मेटल ये जो है दूसरा मेटल है और इस पे जो है ये कुछ इस प्रकार का ठीक है ठीक है तो कुछ इस प्रकार का जो है ये होता है यही क्या है यही है आपका रोलिंग इलेक्ट्रोड कहिए या व्हील कहिए व्हील मतलब पहिया और ये जो है क्या दोनों है मेटल्स जिनको जोड़ना है ठीक है सीम वेल्डिंग से जिनको जोड़ना है मेटल्स को तो यही जो है रोलिंग इलेक्ट्रोड्स है ठीक है तो ध्यान रखिएगा रोलिंग इलेक्ट्रोड्स आर किस में यूज होता है सीम वेल्डिंग में इन ए रेजिस्टेंस फर्नेस द एटमोस्फियर इज ठीक है रेजिस्टेंस फर्नेस में फर्नेस का मतलब होता है भट्टी यानी जिसमें रेजिस्टेंस हीटिंग करते हैं वो जो रेजिस्टेंस फर्नेस है वो एटमोस्फियर उसके अंदर कैसा होता है तो ये आप ध्यान रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग होता है ऑक्सीडाइजिंग कैसा होता है ऑक्सीडाइजिंग इन इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ दी फॉलोइंग इज हाई वैल्यू ठीक है इंडक्शन हीटिंग में कौन सा जो है वैल्यू हाई होता है तो हमने आपको बताया था इंडक्शन हीटिंग लिखिए इंडक्शन हीटिंग के बारे में ठीक है इंडक्शन हीटिंग के बारे में हमने बताया है आपको इंडक्शन हीटिंग जो है वो दो प्रकार की होती है ठीक है एक होता है कोर टाइप और एक होता है कोरलेस टाइप तो जो कोरलेस टाइप होता है उसमें जो है फ्रीक्वेंसी जो है हाई होती है हाई फ्रीक्वेंसी इज यूज इन कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग और कोर टाइप में जो है फ्रीक्वेंसी लो होती है ठीक है तो एक बात का ध्यान रखिएगा ज्यादातर जो इंडक्शन हीटिंग है वो कोरलेस टाइप ही होती हैं ठीक है थेके? तो इसीलिए जो है हाई वैल्यू क्या होती है हाई वैल्यू क्या होगी फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा इस बात को ज़्यादातर जो इंडक्शन हीटिंग होती है वो कोरलेस टाइप ही होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोरिसम्प्स समटाइम्स द व्हील्स ऑफ रोटेटिंग मशीनरी अपीयर्स टू बी स्टेशनरी दिस इज़ ड्यू टू तो ध्यान ध्यान दीजिएगा कभी कभी जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है या लैम्प है आपने देखा होगा कभी कभी उसके जो है जब क्या होता है कभी कभी जो वोल्टेज लो है या फ्रीक्वेंसी लो होती है तो उस कंडीशन में जो है आप कभी जो है बचपन में अनुभव किए होंगे ठीक है जब वोल्टेज लो होता है या फ्रिक्वेंसी जो है लो होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है जो हमारा जो फैन चल रहा होगा तो उस फैन का जो जो पत्ती है ब्लेड है वो तो क्या है कभी कभी लगता है जो है ये रुका हुआ है ठीक है तो वही कंडीशन क्या कहलाती है स्ट्रोबोस्कोपिक इस इफेक्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है स्ट्रोबोस्कोपिक इस इफेक्ट तो ध्यान रखिएगा वो क्या कहलाता है स्ट्रोबोस्कोपिक इस इफेक्ट कहलाता है ठीक है और ये जो है कैसा कब होता है ये जो है लो फ्रिक्वेंसी ठीक है ठीक है लो फ्रिक्वेंसी के कंडीशन में होता है लो फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब क्या है फ्रिक्वेंसी लो होने का मतलब क्या है टाइम पीरियड ज्यादा होगा यानी जो है एक साइकिल कंप्लीट करने में जो है टाइम लगेगा ठीक है टाइम जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा ठीक है तब जब टाइम ज्यादा लगेगा तो इसके अंदर जो जो गैस भरी हैं उसको जो है आयोनाइज आयोनाइज होने में क्या करेगा ठीक तरह से आयोनाइज नहीं हो पाएगा इसीलिए जो है वो ठीक तरह से जो है जलेगा नहीं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए सरफेस फ्रॉम ए सोर्स द इल्यूमिनेशन अपॉन द सरफेस विल वेरीज तो ये तो हम लोगों लो ने देखा हुआ है वही है ठीक है आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर के अनुसार वेरी करता है वन बाई डी स्क्वायर के अनुसार इल्यूमिनेशन वेरी करता है ठीक है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद